इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल, क्योंकि हर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हमने बेस रखते हुए मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पे मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं? दैट आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। अब एटम्स जो है ना, वही बेस है हर चीज को बिल्डअप करने की। like, एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और हमें सॉलिड विच आर एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, मतलब के एटम्स मिलकर सॉलिड या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बनाते हैं। अब एटम्स खुद को अरेंज करते हैं एक सिमेट्रिकल पैटर्न में और हमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स जो हैं वो बना के देते हैं। अब एटम्स हमने कहा कि सिमेट्रिकल पैटर्न में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, लेकिन एटम्स एक दूसरे एटम के साथ बाउंड किस तरह से होते हैं, लाइक इनकी बॉन्डिंग कौन सी है? ये कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ हेल्ड करते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब कोवलेंट बॉन्ड्स अगर हम देखते हैं, बाय डेफिनेशन इट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कोवलेंट बॉन्ड, अब किस तरह से ये शेयरिंग होती है? जब भी एटम्स की हमने बात की तो हमने कहा कि इसके शेल्स में, डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस आउटर मोस्ट शेल हमारे पास जो होगा वो वैलेंस शेल कहलाएगा, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बॉन्डिंग में, मतलब के हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। उन कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से वो एटम्स एक दूसरे के साथ हेल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और हमारे पास एक पूरा का पूरा मटीरियल जो है इस तरह से बिल्डअप हो जाता है। सो ये था कि हमारे पास कौन से मटीरियल्स किस तरह से बनते हैं। अब तमाम मटेरियल्स जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। लाइक हमने स्टार्ट से कहा कि मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स क्या हैं ये भी हम बेस पढ़ चुके हैं इसकी। दीस एटम्स कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट्स। व्हाट डज इट मींस? ये हमारे जो एटम है बेसिक वही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने कहा कि मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, राइट? सो किस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुई? एटम्स जो हैं वही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एटम्स, हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, ये भी हमने बात पढ़ चुके हैं, राइट? सो अब किस तरह से एटम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए कंट्रीब्यूट करता है ये हमने देखना है, क्योंकि एटम्स के अंदर ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिक करंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों और किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं और वही इलेक्ट्रिक करंट की वजह बनते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। सो एक एटम हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक एटम को रिप्रेजेंट करना है अब हमने दो टर्म्स के साथ। वो दो टर्म्स कौन सी हैं? दैट आर द मेन एंड बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। दीज आर वैलेंस शेल्स, द फर्स्ट वन, एंड द कोर, दैट इज द सेकेंड वन। अब वैलेंस शेल हमारे पास एक टर्म बनेगी, जो अब हम एटम को रिप्रेजेंट करें उसमें वैलेंस शेल हमारा फर्स्ट टर्म है एंड द सेकेंड टर्म इज कोर। कोर, अब कोर में हमारे पास क्या आएगा? वैलेंस शेल को निकाल के जितने भी इंटरनल शेल हमारे पास, इनर शेल बचेंगे, वो और न्यूक्लियस मिलकर एक कोर बनाएंगे, ठीक है? मतलब वैलेंस शेल को अलग कर दिया और बाकी जो बचा वो सारा का सारा कोर में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की। कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट? सो कार्बन इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर के तौर पर हमारे पास काम करता है,
जस्ट लाइक इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर. सो कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल में पड़े होते हैं और इनर शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो वैलेंस शेल हमारे पास एक अलग चीज़ है. सो वैलेंस शेल में हमारे पास -4 का इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा. ओके सो नेक्स्ट इज इनर शेल. इनर शेल में हमारे पास -2 चार्ज है और न्यूक्लियस में ओवरऑल 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स होंगे. तो उसका चार्ज हमारे पास बनेगा +6. न्यूक्लियस का चार्ज है +6, इनर शेल्स का चार्ज है -2. सो होल हमारे पास +4 का नेट चार्ज आ गया. सो +4 नेट चार्ज ऑफ कोर एंड द -4 इज द चार्ज ऑफ वैलेंस. सो इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलेटर्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करने ही नहीं देते. हम वो मटेरियल्स की बात करें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे या पास नहीं करवाएंगे. सो इंसुलेटर जो कहता है कि मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाऊंगा. अब ये क्यों नहीं करवाता इसकी रीज़न भी देख लेते हैं. आप हमारे पास इंसुलेटर्स की अगर एग्जांपल्स देखते हैं तो इंसुलेटर्स जो है वो कंपाउंड्स जो होते हैं कंपाउंड फॉर्म में ज़्यादा होते हैं रेदर देन सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स. अब जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटीज़ बहुत हाई होती हैं. रेजिस्टिविटीज़ आर बेसिकली इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी होता है कि अलाउ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टिविटी उसका उलट है. ये रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करने में. सो इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर सकता तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एटम के साथ क्योंकि बेसिक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इंसुलेटर के केस में हैं ये एटम के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं इसलिए हमें बहुत रेयरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इंसुलेटर्स में कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकें. सो इंसुलेटर्स की जब एग्जांपल लेते हैं वो हमारे पास हैं रबर प्लास्टिक ग्लास मिका क्वार्ट्ज. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंसुलेटर बेसिकली हमारे पास है क्या. अब आप लोग अपने दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर ले कि दैट यू हैव अ कॉपर वायर. कॉपर वायर इज बेसिकली अ कंडक्टिव वायर के वो हमारे पास कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को. कॉपर वायर बेसिकली हम यूज भी करते हैं इन आवर होम्स फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स. सो एक कॉपर वायर ले ली उसको एक बैटरी के साथ अटैच करें एंड देन एक बल्ब के साथ अटैच कर दें. अब उस कॉपर वायर को बीच में से तोड़ लें और तोड़ने का मकसद क्या होगा कि हमने उसमें बैंड गैप बना लिया. अब बैंड गैप वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करेगा और बल्ब को ऑन कर देगा. अब बैंड गैप हमने इसलिए बनाया कि हम उसको डिफरेंट मटेरियल्स के साथ अटैच करें और देख सकें कि कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्टिव है कौन सा मटेरियल इंसुलेटिंग है. अब हम एक मटेरियल लेते हैं विच इज़ ग्लास. अब ग्लास के साथ जब हमने 2 वायर्स को तोड़ दिया दरमियान से मतलब कि एक बैंड गैप क्रिएट कर दिया. अब जब हम दोनों वायर्स के जो हमारे पास टिप्स हैं उनको एक ग्लास के साथ अटैच करेंगे तो कोई करंट ग्लास में से फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ग्लास जो है वो एक इंसुलेटर है. या रबर ले लें या कोई वुड ले लें. अगर किसी को शॉक लगता है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको वुड के थ्रू जो है वो हटाएं. ठीक है तो वुड भी जो है हमारे पास इंसुलेटर है तो वहां से कोई करंट पास नहीं करेगा और बल्ब ऑन नहीं होगा. तो ये तो हो गया हमारे पास इंसुलेटर. द नेक्स्ट वन इज कंडक्टर. इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं नेक्स्ट. अगर अब ग्लास या वुड जो हम रख रहे थे बैंड गैप के दरमियान में अब अगर उसको रिप्लेस कर दें एक मेटल के साथ. अगर अब हमने वहां पे मेटल रखा और मेटल के साथ दोनों सिरे जो हमारे पास वायर के थे उसको अटैच किया अब करंट फ्लो करेगा क्योंकि करंट को पैथ मिल गया. कंडक्शन. कंडक्ट बेसिकली होता है ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग. कंडक्टर्स को पैथ मिल गया अब हमारे पास जो है चार्जेस फ्लो करेंगे एंड देन बल्ब को ग्लो करवा देंगे. कंडक्टर्स क्या है. कंडक्टर्स वर्ड कंडक्ट से निकला है जो रिप्रेजेंट करता है इट इज ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग. सो कंडक्टर इज अ मटीरियल दैट इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट.
अब जब बात करें कि ये किसी चीज को ट्रांसफर करता है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, कि ये इलेक्ट्रिक करंट को पाथ प्रोवाइड करता है कि मेरे में से गुजर जाओ, अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो जो कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रहा है कि वो उसके अंदर से गुजर जाए, उसकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी क्योंकि वो ब्लॉक नहीं कर रहा करंट को, वो अलाउ कर रहा है। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जैसे कि अभी हमने बात की। तो जैसे इंसुलेटर्स में हम कंपाउंड्स को रेफर करते हैं कि कंपाउंड्स जो हैं वो मोर इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। ये हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास वो एटम्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है, मतलब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है और वो बहुत लूजली बाउंड होता है एटम के साथ। सो वो फॉरेन से हल्का सा बाहर से उसे टचअप मिलता है और वो फ्री हो जाता है, वो लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है अगर हल्की से बाहर से उसे एनर्जी मिली। तो बैटरी हम बेसिकली उसको पुशअप देते हैं, तो वो एक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन मटेरियल में से फ्री हो जाता है और एक बेसिक मटेरियल को कंडक्टिव बना देता है। तो कंडक्टिव मटेरियल्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बेसिकली उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से हल्का सा पुशअप, हल्की सी एनर्जी मिलती है, तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। सो इस तरह से वो कंडक्ट करते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज एम ए कंडक्टर इज अ मटीरियल दैट इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन इट्स अबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट्स लाइक सेमी कंडक्टर। सेमी मीन हाफ ऑफ द कंडक्टर एंड हाफ ऑफ द इंसुलेटर। अब किस तरह से कि इसके वैलेंस शेल में हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमी कंडक्टर अपनी प्योर फॉर्म में जो होता है ना ही अच्छा कंडक्टर है ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है, लेकिन जब हमारे पास जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है तो ये एक परफेक्ट इंसुलेटर जो है बिहेव कर रहा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। इसकी एग्जाम्पल भी हम जो पिछले एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे उसी से करते हैं। लाइक अगर हम जहाँ पे मेटल रखा था उसकी जगह पे एक सिलिकॉन वेफर, सिलिकॉन चिप रखते। सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके हो गया। सिलिकॉन की जब हमने चिप रखी तो सिलिकॉन हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर था। लाइक हमने जब अपने गैप के दरमियान में सिलिकॉन रखा तो सिलिकॉन की वजह से लाइट बल्ब जो है वो ग्लो नहीं किया, ऑन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने सिलिकॉन वेफर को टेम्परेचर दिया, लाइक सिलिकॉन वेफर को हीट अप किया एंड देन उसको बैंड गैप के दरमियान में रखा, तो क्या होगा? इट्स इनक्रेडिबल कि करंट फ्लो करेगा, मीन्स लाइट बल्ब ग्लो करेगा। अब ये किस तरह से हुआ? जैसे जैसे हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज किया, लाइक व्हेन वी चेंज द इन्वायरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इट विल कंडक्ट, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर अपनी प्योर स्टेट में हमारे पास ना तो एक अच्छा कंडक्टर है ना ही अच्छा इंसुलेटर है। सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हमारे पास हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरॉन, पॉलीनियम, टेलुरियम वगैरह, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी हैं जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन जर्मेनियम। ये हमारे पास कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनके एटम में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल। सेमीकंडक्टर को प्योर फॉर्म में भी ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसके डोपिंग भी करवाते हैं। अब डोपिंग किस तरह से करवाई जाती है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इसकी डोपिंग होती है कि किसी किस्म की इम्प्योरिटी एक प्योर सब्सटेंस में ऐड कर देना, दैट इज सो कॉल्ड डॉपिंग। नेक्स्ट डॉपिंग हमारे पास टू टाइप्स की होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं। तो जब दोनों तरह की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स फॉर्म में आते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारा सेमी कंडक्टर मटीरियल किस तरह से बिहेव करेगा। सो थैंक यू, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, होप सो यू।